हाय दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहां जाकर आप कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर आपने किसी को लेटर लिखा है तो वो लेटर आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, या अगर आपका कोई एटीएम कार्ड है तो वो एटीएम कार्ड आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। तो यही आज हम पढ़ेंगे, व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट। चले आए शुरू करते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में डिफाइन किया है, उसको देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो चले आए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, पब्लिक डॉक्यूमेंट। अकॉर्डिंग टू दी कानून शहादत ऑर्डर 1984, आर्टिकल 85 डील विद पब्लिक डॉक्यूमेंट। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। नंबर वन, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स। मतलब किसी भी अदारे का कोई भी अमल, जैसे कि सॉवरन अथॉरिटी का रिकॉर्ड और सॉवरन अथॉरिटी के पास होने वाले तमाम एक्ट्स, ये तमाम पब्लिक डॉक्यूमेंट में फॉल करते हैं। नंबर टू, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। मतलब ऑफिशियल बॉडीज के जितने भी रिकॉर्ड या जितने भी एक्ट्स होंगे, वो तमाम एक्ट्स हमारे लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। या सर्विस ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, मतलब जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, उन तमाम के जो एक्ट्स हैं, वो तमाम एक्ट्स या उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स का लिंक जो है वो गवर्नमेंट के साथ हो, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। नंबर थ्री, पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव जुडिशली एंड एग्जेक्टिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑफ अ फॉरेन कंट्री। जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव के तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे, और जुडिशली के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जैसे कि जजमेंट्स वगैरह हैं, वो तमाम जजमेंट्स हमारे लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगी। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर पाकिस्तान के अंदर हैं फिर भी ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, और अगर ये फॉरेन कंट्री में हैं फिर भी ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। मतलब हर कंडीशन में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ही होंगे। नंबर टू, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर कोई सेल डीड या गिफ्ट डीड वगैरह हैं और वो पार्टीज के दरमियान हुई, तो ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जब इनको रजिस्टर्ड किया जाएगा तो उस वक्त ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगी। मतलब अगर सेल डीड या गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगी, लेकिन अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उस कंडीशन में वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। नंबर थ्री, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अदालत के तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। कोई भी जजमेंट है, कोई भी केस है, तो हम उसकी कोई भी कॉपी लेते हैं तो वो सर्टिफाइड कॉपी हमारे लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट होगी। मतलब कोई भी बंदा जिस टाइम मर्जी चाहे तो वो उसकी कॉपी ले सकता है। नंबर फोर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी लॉ। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई भी रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं तो वो तमाम रिकॉर्ड्स हमारे लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। नंबर फाइव, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ इज नॉट डिस्प्यूटेड। मतलब अगर कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और वो डिस्प्यूटेड नहीं है, तो उस कंडीशन में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। जैसे कि अगर कोई सेल डीड है और उस सेल डीड को रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, तो वो सेल डीड हमारे लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट होगी, लेकिन अगर उस सेल डीड को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, तो इस कंडीशन में वही सेल डीड हमारे लिए प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगी। आर्टिकल 86, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। आर्टिकल 85 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास लेटर्स आ गए। मतलब अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे को लेटर लिखता है, तो
तो वो पर्सनल लेटर उसका प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। और इसी तरह जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो सेल डीड है, अगर सेल डीड की रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो वो हमारे लिए प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगी, या जो आपका एटीएम कार्ड है वो आपके लिए प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा, या जो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबा दें, इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।